मानसून में लगातार बारिश से क्या होता है, आम के बाग में बीच बीच में जुताई करने का चांस ही नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप पूरे बाग की हालत ठीक ऐसी ही हो जाती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। मतलब कि पूरे बाग में खरपतवारों का जमावड़ा। पूरे मानसून के दौरान बाग मैनेजमेंट का कोई भी काम सही से हो ही नहीं पाता और पूरे बाग की हालत खराब हो जाती है। लंबे मानसून सीजन में लगभग सभी बागवान भाई इस प्रॉब्लम को फेस करते ही है। लेकिन आम के छोटे या बड़े सभी पेड़ों को पूरे साल भर के लिए स्वस्थ रखने के लिए इस समय जल्द से जल्द सही से निगरानी भी रखनी होती है। मतलब कि ठीक यही समय होता है आम के तना छेदक यानी मैंगो स्टेम बोरर्स के अटैक का। देखिए, इस पेड़ से भी दो बोरर्स निकाले गए हैं। पेड़ की ऊपरी छाल को अच्छा खासा डैमेज करने के बाद अंदर के सख्त हिस्से में भी छेद करके अंदर तक सुरंग बनाता आगे बढ़ रहा था, जिसे सही समय पर निकाल दिया गया है। ऐसे हालात में स्टेम बोरर्स की मौजूदगी पता लगाने के लिए ही आम के पेड़ों के थालों की सफाई करना जरूरी बन जाता है। पेड़ों के नीचे की सफाई होगी तभी हम इन बोरर्स के द्वारा निकाले गए लकड़ी के बुरादे को आसानी से देख पाएंगे। लेकिन मानसून सीजन लंबा खींच जाने से या कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार बारिश होने से खेत की मिट्टी सूख ही नहीं पाती और इतने ज़्यादा खरपतवार होने से सही से धूप और हवा ना लगने से मिट्टी गीली की गीली ही रहती है। देखिए, मिट्टी अभी भी कितनी ज़्यादा गीली है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कई दिनों तक यहाँ पर ट्रैक्टर से जुताई हो पाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? हमें जुताई की चिंता ना करते हुए सबसे पहले पेड़ों के तनों के पास के खरपतवारों को दूर करना है। मतलब कि थालों की सफाई जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे हालात में मैं किस प्रकार से थालों की सफाई करता हूँ और किस तरह स्टेम बोरर्स की मौजूदगी पता लगाकर उसे बाहर निकालता हूँ, मतलब कि मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप कोई भी और तरीका अपनाते हो तो कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, इसे इस पेड़ के आसपास के खरपतवारों को हटाया गया है और जरा इसे देखिए, यहाँ पर कितना कचरा है। इतना ज्यादा कचरा होने से कुछ भी दिख नहीं पाता। तने में या तने के आसपास में क्या चल रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो किस तरह से इसे क्लीन करता हूं वो मैं आपको इस वाले पेड़ में करके दिखा देता हूं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं किसी भी तरह करके या कोई भी औजार का उपयोग करके तने के पास में निकले खरपतवारों को इस प्रकार से खींच लेता हूं। देखिए, कचरे को तने से थोड़ा थोड़ा दूर कर देता हूं। और आखिर में बचे थोड़े बहुत कचरे को हाथ से निकाल देता हूं। देखिए, कचरा हटाने के बाद तने के आसपास कुछ इस टाइप का हो जाता है। मतलब कि अब जमीन ठीक से दिखने लगती है। पेड़ के तने में क्या हो रहा है या तने के आसपास में क्या हो रहा है वो हमें अब अच्छे से दिखने लगता है। देखिए, अब पेड़ की कैनोपी जितनी फैली है वहां तक ही हमें वर्क करना है। ओके, देखिए, अब कैनोपी के अंदर की साइड जितने खरपतवार खड़े हैं उसे हम बाहर की ओर झुका देंगे। देखिए, डंडे की मदद से मैं इस प्रकार से करता हूँ, लेकिन आप अपने अनुरूप कोई भी तरीका अपना सकते हो। इस प्रकार करने से क्या होगा, खड़े खरपतवार बाहर की ओर झुक जाएंगे, बढ़ेंगे तो भी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद अब कचरा मोस्टली कैनोपी की बाहर तक आ चुका है। अब जब भी बाग में ट्रैक्टर से जुताई होगी तब कैनोपी की बॉर्डर तक ट्रैक्टर चलेगा, तब सारा कचरा रोटावेटर में कवर हो जाएगा। देखिए, इसे इन सारे पेड़ों में ये काम हो चुका है।
अब ट्रैक्टर से जुताई करने का मौका चाहे कितने दिनों के बाद मिले कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अब हम तनों को या तनों के आसपास क्लियरली साफ साफ देख पा रहे हैं। इसलिए स्टेम बोरर्स को अब हमारी नज़र से बचने का कोई चांस नहीं। और साथ साथ क्या हुआ, पेड़ों के थालों की सफाई भी हो गई। हम मिट्टी सूखने और जुताई करने तक का वेट करने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा और ये कीड़े कुछ नया ही कांड कर चुके होंगे। देखिए इस पेड़ में स्टेम बोरर लगा हुआ है, तने के पास में लकड़ी का बुरादा हमें साफ साफ दिख रहा है। अब हम कोई भी औजार का उपयोग करके थोड़ी सी ऊपरी छाल को हटाकर देखेंगे कि कीड़ा कहाँ तक गया है। ऊपरी छाल में ही मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए मुझे लगता है कि कीड़ा छाल में ज्यादा आगे ना बढ़ते हुए सीधा तने में छेद करके अंदर तक चला गया है। अब कीड़े को छेद से बाहर निकालने के लिए हम एक सख्त ताल लेंगे और उसके सिरे को कुछ इस प्रकार मोड़कर छोटा सा हुक टाइप का बना लेंगे जिसमें कीड़ा आसानी से फंस जाएगा। तार को छेद में थोड़ा थोड़ा अंदर डालते जाएंगे और बुरादे को या कीड़े के मल को निकालते जाएंगे। ओह यस, देखिए कीड़ा हमारे हुक में फंस चुका है, अभी साइज में छोटा ही है। रुकिए मैं आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये कीड़ा पूरी तरह डैमेज हो चुका है, फिर भी मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है। देखिए अगर आप कीड़ा ना निकाल पाओ तो क्या कीजिए, छेद को अच्छे से साफ करके छेद में आप DDVP दवाई या सेल्फोस टैबलेट डालकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देना है, जिससे क्या होगा, दवाई से छेद के अंदर गैस उत्पन्न होने से कीड़ा अंदर ही मर जाएगा और आपका पेड़ मरने से बच जाएगा। देखिए इस पेड़ के आसपास भी आपको बुरादा दिखेगा क्योंकि यहाँ से भी मैंने दो बोरर्स को निकाला है, एक ऊपरी छाल में ही छुपा हुआ था और एक छेद के अंदर तक चला गया था। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप क्या करते हो, किस तरह से करते हो, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी या मेरा तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अन्य किसानों में शेयर भी कीजिए और अगर आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।